नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 15 फीट बाय 48 फीट का एक वेस्ट फेसिंग 2 BHK हाउस प्लान। प्लान की हमारी ये फ्रंट साइड है, पूर्व पश्चिम प्लान की लंबाई 48 फीट है और उत्तर दक्षिण लंबाई यहाँ पे 15 फीट है। तो पूरी कॉस्टिंग वगैरह मैंने यहाँ पे निकाल के रखी है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से हमने इसका प्लानिंग किया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये हमारी फ्रंट साइड, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे ये मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है। जैसे अंदर आते ये एंट्रेंस लॉबी है। एंट्रेंस लॉबी की साइज 5 फीट 6 इंच बाय 3 फीट 6 इंच है। 5 फीट 6 इंच ये ऐसी लंबाई है और 3 फीट 6 इंच ये ऐसी। पैसेज की विड्थ यहाँ पे 3 फीट है। स्टेयरकेस लॉबी की साइज 5 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच है। 5 फीट 6 इंच ये ऐसी फ्लाइट की विड्थ है दोनों, और लंबाई यहाँ पे ये 10 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे सामने हमने फ्रंट में ये एक गेस्ट रूम प्रोवाइड किया है 9 फीट बाय 10 फीट 6 इंच का। 9 फीट ही हमारी इसी लेंथ है और 10 फीट 6 इंच हमारी ये ऐसी लेंथ है। गेस्ट रूम के साथ में हमने एक अटैच टॉयलेट बाथ का भी प्रोविजन किया है, जिसकी साइज 7 फीट बाय 4 फीट है। तो 7 फीट ये ऐसी लेंथ और 4 फीट ये ऐसे लेंथ। उसके बाद यहाँ पे अंदर आने के बाद ये लिविंग एरिया दिया है हमने, जिसकी साइज 10 फीट बाय 9 फीट 6 इंच है। तो 10 फीट ये लंबाई हो गई अंदर और 9 फीट 6 इंच आपकी ये लंबाई। पैसेज वापस यहाँ पे 3 फीट का। उसके बाद यहाँ पे एक बेडरूम का प्रोविजन है 9 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 6 इंच। तो 9 फीट 6 इंच ये लंबाई और 10 फीट 6 इंच यहाँ पे ये लंबाई। उसके बाद यहाँ पे सामने हमने डाइनिंग एरिया प्रोवाइड किया है नॉर्थ ईस्ट कोने पे 11 फीट बाय 5 फीट का। तो 11 फीट ये लंबाई हो गई और 5 फीट ये लंबाई। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन का प्लानिंग है 6 फीट 6 इंच बाय 9 फीट का। तो 6 फीट 6 इंच ये लंबाई हो गई आपकी अंदर दीवार के अंदर और 9 फीट ये ऐसे रहेगी। तो ये इस तरीके से प्लानिंग है। उसके बाद यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट बात है 4 फीट बाय 8 फीट का। तो 4 फीट ये विड्थ हो गई यहाँ पे लंबाई अंदर और 8 फीट ये लंबाई। इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल ब्रिकवर्क दोनों की थिकनेस 6 इंच है। अगर इसका टोटल एरिया हम निकालते तो वो 15 फीट बाय 48 फीट यहाँ पे 720 स्क्वायर फीट आता है। और अगर हम इसकी कॉस्टिंग निकालनी है तो कॉस्टिंग आएगी 720 स्क्वायर फीट इंटू एक बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हमने यहाँ पे 900 रुपये पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंसिडर की है, क्योंकि एक सिंपल सा प्लान है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ज़्यादा नहीं रहेगी। तो 900 × 720 ये टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी बनेगी 6,48,000। तो 6.5 लाख में आपका ये मकान पूरी तरीके से बन के रेडी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लान पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।